दवाई लगाई आँख में, तुमने दवाई लगाई है, हमें पता है इसकी आँख आँख में थोड़ा सा कुछ खराबी है। खराबी नहीं है जेल लगा रखी है। क्या सीन तेरा क्या है, तू कभी ठीक होगा? नजर लग गई मुझे लग रहा है, माफिया मेरी, नजर उतार दे। नजर कैसे उतारते बताओ आंटी, वो तो आती है नजर उतारनी भाई आंटी, स्पेशलिस्ट होती है कुछ नहीं होगा आँख दिखाने, दवाई लगाइए ठीक है। लोगों की आँख से आंसू आ जाएंगे भाई मुझे तो दर्द देख के, इसलिए मत दिखा लो। तो मैं तो बोलता हूँ दिखाते हैं, इमोशनल चीजें होती है तो लोग देखते हैं बुझाते हैं, तो इमोशंस के साथ खेल के नहीं, वही तो मैं नहीं ले पाया ना, वही तो है। अगर आपके इमोशंस के साथ खेल के व्यूज लेना चाहता है भाई, नहीं, इमोशन के साथ व्यूज लेने होते व्यूज तो मेरे तो मैं अटका नहीं होता 500 के पहले, समझा? हाँ ना मेरे भाई देखा, अरे वो भाई साहब भी आ रहे थोड़े से यार धीरज बताओ कुछ, क्या बताऊं सच, सिंधी में बताओ कुछ, सिंधी में जैसे कहाँ जा रहे हो तो कितने दो बनी, कितने दो, कितने तो बनी, कहाँ जा रहे, कितने तो बनी, जो आ रहे हो मतलब कितने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लगभग आधी पंजाबी आधी हिंदी ऐसा मिक्स है, सिंध और पंजाब आसपास में थे ना, थे अब तो सिंध तो पाकिस्तान में हो गया ना, पांच में तो फिर भी है डिस्टेंस उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं, पांच रिवर थे, तीन इधर है दो उधर है, कौन कौन से थे, गंगा जमुना सतलुज, अबे कहाँ जा रहा है तू, ओए कौन से रिवर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, तो मुझे भी याद नहीं है भाई, ज्योग्राफी कमजोर है, ज्योग्राफी कमजोर है, सभी कमजोर है वैसे भाई, हिस्ट्री, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट रहा है, हिस्ट्री मेरे को स्कूल छोड़ने के बाद थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी है, ना नहीं नहीं स्कूल में जो मेरे रट्टे मारे हैं भाई हिस्ट्री में, बिना रट्टे को नहीं भाई चलता, हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी भाई, मैं रट्टे मारता सबसे कम नंबर आते थे मेरे स्कूल छोड़ने के बाद, लिटरली जब ऐसे फिक्शन विक्शन पढ़ा थोड़ा बहुत और ऐसा मूवीज वूवीज देखी हिस्ट्री के ऊपर, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा कि वो भाई क्या मस्त हिस्ट्री था इंडिया का, पढ़ा नहीं लेकिन हम लोग जब हम पढ़ते समझ नहीं आता था ना, मैथ्स तो भाई मत ही पूछो, मैथ्स तुम्हारी कैसी थी धीरज, बहुत गंदी मेरी अच्छी थी बट बाद में गंदी हो गई थी क्योंकि मुश्किल हो गया था, मेरे 12th में सब सब्जेक्ट में 90 प्लस है और मैथ्स में 43 भाई, थैंक यू यार, कोई तो है मेरे जैसा मेरे 12th में भाई मैंने कमर्स कर रहा था, सब में अच्छे नंबर आए 90 90 90, मैथ्स ले लिया था भाई माँ कसम 57 नंबर आया, उसी ने मेरी परसेंटेज पता है 83 पे, 10th में कितने आए थे मैथ्स, 10th में 9 CGPA आउट ऑफ 10, अच्छा CGPA था ना 9 आउट ऑफ 10, मेरे को 10th में मैथ्स में 83, साइंस में 81, इंग्लिश में 81, हिंदी में 50, अच्छा मेरे 83 जो मैथ्स में आए थे मैंने फुल चीटिंग की थी भाई, मेरे को कुछ नहीं आता था पूरा, चीटिंग करने की तो मैंने भी कोशिश की थी लेकिन उसको भी नहीं आता था। अरे मैं एक चीज बताता हूँ, क्या हुआ था कि एग्जाम देने गया था कॉलेज के एग्जाम से, तो भाई एक बंदा दे रहा था अपने बैग और साथ मेरे साथ बैठा था, बैंक का भाई नीचे फोन लगा के ऐसे देख रहा है, ठीक है ऐसे करके, मैं मेरी फटी जा रही है भाई, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बताइए मत किसी को भाई, मैं भी डर गया, कोई बंदा बड़ा था मेरे से, वो ऐसे फोन निकाल रहा है देख रहा है, मैं क्या करूं यार, बताऊं या ना बताऊं, मैंने कहा चल जाने दो ये अपना करे, मैं अपना करूं, अपना टाइम को खोटी करूं यार, उसको फेल होना हो जाएगा बेचारा पहले से फेल, कोई ना आप लोग भी बहुत किस्से होंगे, कभी कुछ होगा तो बताना चैट में, मेरे आए थे 81% 12th में, मेरे को यकीन नहीं था मेरा इंग्लिश में 89 थे नंबर, बिजनेस में 93 आए थे, अकाउंट्स में 95 थे एंड इकोनॉमिक्स में शायद 80s में थे कुछ, तो मैं तो बोलता आज जाके ना सबसे पूछ ही लेता हूं कि किसके कितने नंबर आए थे 10वीं और 12वीं में, बोल रहा एग्जाम चल रहे हैं लोगों को पता लगना चाहिए कि एसएटी में भी किसके कितने नंबर आए थे पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर पता है किसके होंगे, अनिमेश के, बिल्कुल 78% दो चक्के मारे अभी बैक टू बैक, भाई छक्के में छक्का दिया उसने, भाई साहब आखिरी ओवर में कितने चाहिए था, लास्ट बॉल में 4 चाहिए था, अरे सारा बॉल 6 मारे भाई, उसको 5 बॉल पे 4 छक्के 4 एक चौका चाहिए था, इनने 5 बॉल पे छक्के मार दिए, भाई लिटरली जे देख रहे छक्के पे चक्का दे 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 ये 6, उधर दोनों लोग बैठ के रील बना रही है रिएक्शन का मैंने रिकॉर्ड किया अपने कैमरे से, उसने किया तो रील बन रही है आधी और वो बैठे हैं दोनों भाई, तो तुम आगे खड़ा हुआ था कि भाई डिसअपॉइंटमेंट में कि गया फैन भाई हार गया, तो कल अगर ऐसा मैच गया होता तो वर्थ इट,
रोहित शर्मा आउट और फिर उसके बाद जब हम लोग अंदर गए फिर तो आउट ही आउट आउट ही आउट आउट ही आउट पहले तो वो लोग पिटाई कर रहे थे ये देख लो इसको भाई बात सुनो मैं आज पूछ रहा था सब लोगों से देख एग्जाम्स चल रहे हैं ठीक है तू भी अच्छा रहा पढ़ा लिखा है मेरे को ये बता 10th और 12th में तेरे मार्क्स कितने आए थे बोर्ड्स में क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं 91 और 12th में 61 ये 91 से 61 कैसे हो गया 30% कैसे गैप आ गया 10th में स्कूल था 11th 12th में हमारा जो स्कूल था ना सीनियर सेकेंडरी कह लो वो मतलब बहुत ही उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे कोई भी क्लास करो कोई भी क्लास मत करो अच्छा मैं पूरा दिन जो है फुटबॉल खेलता रहा कुछ एग्जाम की कुछ ऐसी ताज़ा मतलब वो है कुछ जो कुछ याद हो मेमोरी 11th में तो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो मैं दोबारा 11th करनी पड़ी क्या याद कर रहा है तूने दो बार किया है मतलब तूने 11 12 तीन साल लग गए तेरे को टोटल घर वाले भी बोले होंगे जाके तब भी नहीं बहुत बीटी वाला साल था वो क्या बात कर रहा है भाई मतलब तेरे दोस्त होंगे तो अगले से पहुंच गए होंगे और तू पीछे रह गया माँ कसम स्कूल वालों ने तेरे को नहीं दिया चांस ये मेरे 3 साल के यूट्यूब करियर में पहली बार बता रहा हूँ कहीं नहीं बताया मैंने क्या बात है ब्लॉग में मैं पूछ रहा हूँ सबसे एग्जाम चल रहे हैं क्यों पूछ रहा है नहीं नहीं भाई बाकी लोगों को पता होना चाहिए कि तुम पढ़े लिखे हो तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कितने आए थे बोर्ड्स के टाइम में टेंथ में अराउंड कुछ 65 कुछ यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको 65 आ जाए तो खुश हो जाए घर वाले भी बारहवीं में कितने आए थे बारहवीं मेरा पहला जो बारहवीं था ना उसमें क्या हुआ था मेरे को जॉन्डिस हो गया था मैं पूरा 12th दिया नहीं था क्या बात कर रहा है जॉन्डिस हो गया था तो मैं पूरा वो हो गया था मामा ने पता क्या क्या 11वीं दो बार किया है उसको इसको देने ही नहीं दिया अबे मैं भी क्रिकेट ही खेलता था उधर में क्रिकेट के उससे आया फिर देखा मेरे आंख पूरा पीले और पूरा जीप पीला जब डॉक्टर के पास लेके गया मेरे पापा तो मेरे को बहुत सर चकरा रहा था अच्छा उधर जाके उधर पुचका वाला बैठा हुआ था ठीक है अभी डॉक्टर के पास है मुझे थोड़ी पता है मुझे जॉन्डिस है मेरे सर चकरा रहे मैं जस्ट पुचका खाया खा के डॉक्टर के पास गया डॉक्टर बोला कि ये तो पूरा इसको जॉन्डिस के सिम्टम्स है और जॉन्डिस ही है फिर भी ब्लड टेस्ट का एक बार दिया फिर आया मैं पावर पूरा ओके पुचका निकाल दिया पूरा जो मतलब उल्टी कर नहीं खाना था ना और खा लिया वो अच्छा दूसरा बार जब मैं दिया अराउंड कुछ तू बता तेरे कितने मार्क्स आए थे स्पोर्ट्स में 10th और 12th में 10th में 70 12th में 80.62 ये तो बड़े मामा के तो जो कम हुए 91 से 61 पर ये बता तेरे को कुछ ऐसी कोई मेमोरी है जो मतलब बढ़िया सी हुई है 10th और 12th में बता बता पूछी भी बताया पूरा ये होता ही है ये देख रहे इसको देख रहे इसको क्लास में जाता था मतलब मैच चालू होना 1 बजे एग्जाम हो रहा 10 बजे गया दिया मेरे को कुछ आता नहीं मेरे को पता है फिजिक्स का कुछ नहीं आता मैं जाता था 15 मिनट में ऐसे करके कुछ भी आंसर लिख के क्वेश्चन ही कुछ भी ऐसे आंसर लिख के ऐसे करके पेपर देता भाग जाता था क्रिकेट के लिए मतलब मैं पढ़ लेता था सारा थियोरी लेकिन जैसे थक बोलते 5 मीटिंग है तेरे ठीक है फॉर एग्जाम्पल तो मैं वो 5 मीटिंग के जैसे वो लगा लेता था कैलेंडर में अच्छा सिर्फ एक वर्ड लिख दिया याद रहेगा अच्छा पूरा सेंटेंस वैसे करता था एक वर्ड वर्ड्स लिखता था तो मेरे को पूरा उसका फ्रेम वो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि अब उसका स्टार्टिंग कैसे थी कि याद ही नहीं आ रही तो सामने से पूछा भाई स्टार्टिंग बता दे बस स्टार्टिंग का एक बता दे बोलेगा दा लेकिन मैं तभी बहुत मतलब लॉस्ट स्टूडेंट ऐसा था गॉन केस पूरा ठीक है तो 9th की बात है साइंस वन मैंने कुछ नोटिस नहीं किया कुछ नहीं किया मैंने वो लिखा पेपर उसका भी जो आया था साइंस वन में वो मेरे को घंटा नहीं आता था भरा कुछ मैंने और सो गया हेड डाउन करके क्या सो गया तू एग्जाम में अरे वो तो होता था कि पेपर खत्म हो गया अच्छा, क्योंकि मैम 1 घंटे बाद ही जाने देती थी बच्चों को बाहर हाँ, ऐसा था उसके पहले नहीं तो, बाद में जब पेपर एंड कर रहा था हाँ, जब दे रहा था पेपर हाँ, सब तक लिख रहे ऐसा क्या आगा मैंने पलटा नहीं पेज क्वेश्चन पलटा मैंने पीछे साइंस 2 के क्वेश्चंस
ये देख ले। कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम तेरा मैथ्स का और तू वो कुछ और पढ़ के गया हो? मैं कभी नहीं था। कॉलेज का क्या होता है? नॉर्मल कॉलेज का क्या रहता है कि दोपहर से चालू होता है। अच्छा, कैसे पता? तू तो जाता ही नहीं है। तू तो जाता ही नहीं है। आप बात सही बोल रहा है, मामा बिल्कुल सही बोला। चला जाता, हाँ चला जा, जा चला जा। हमने पकड़ा इसको, इसका सबमिशन करा, इसको बाहर घर भेज, इसको घर भेजो। कॉलेज जाता तो तू सिर्फ शीट्स और स्लाइडिंग फोल्डर के। तो नॉर्मली हम लोग का दोपहर को कॉलेज रहता है, एग्जाम था, लगा दोपहर को ही होगा। दोपहर को आया, मेरा फ्रेंड था वो नीचे उतर रहा है। अच्छा, तू ऊपर चढ़ रहा है? तो बोलते आज तो आया नहीं, हाथ हो गया। तो बोलते कॉलेज तो सुबह था। मैंने कहा सुबह क्यों था? तो एग्जाम था ना सुबह। ओ फक, ये देख ले इसके हालात, देख लो मामा। और वो तब वो PUBG मोबाइल का टाइम चल रहा था थोड़ा। तू अच्छा, अच्छा 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे तेरे? साइंस लेके भी करते हैं यार। के बाद क्या पता है, 5 KT आई, मैं डिटेन हो गया 1 साल के लिए। तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी ऐसा ऐसा है, काम करने मतलब मुंबई बुला रहे हैं मेरे को, तो जब तक डिटेन तब तक जा सकता हूँ। सबसे ज्यादा मजा आता था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हाँ, वो ऐसे ऐसे बताता था। हाँ, ऐसे ऐसे दो शराबी लोग जो होते हैं ना, पता नहीं है तेरे जैसे। वो तो देखने लाइफ में कितना आगे जाते हैं जो देख ले इसको। ये वही बंदा है कि सबसे खतरनाक चीज जो मैंने की थी तो ये थी कि फर्स्ट एग्जाम था, मालूम था आगे अगले दिन भी पेपर है, सप्लीमेंट ले गया घर। तू नंबर नहीं बताया, तेरे मार्क्स कितने आए 10th में? 60% जो मैंने 12th में लगाया था वो इनने 10th में हर दिया। हां, इसने तो 11th दो बार की है भाई। ये क्या बात है भाई, इसने बताया तेरे को, तू मजाक बना है मेरा भाई। बार बार क्यों बोल रहा है? सॉरी मामा, इतनी बातें थी यार, क्यों चीज क्यों क्या नहीं बताया। अनिमेश, अब तू मेरे को मिला स्ट्रीम के पास, मैं सबसे आज पूछ रहा हूँ की भाई तेरे मार्क्स कितने? पोची ने बताया कि 13 ही होंगे घर में सबसे ज्यादा। अब तू बता रहे 10th और 12th में कितने आए? एकदम पूरा कहानी बताता हूँ। और आपको 10th और 12th में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो भी बोर्ड्स दे रहे। 10th में मेरे एग्जाम बहुत अच्छे गए, जस्ट क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट मैं स्टेट बोर्ड से था, तो मेरे मैथ्स और एडवांस मैथ्स में दिमाग को बता रहा कितने अच्छे थे कि मैंने एग्जाम हॉल से निकल के अपने पापा को बोला था यहाँ पर मैथ्स में मुझे आई विल गेट 99। एडवांस मैथ्स में मैं बोर हो गया था एग्जाम में लिखते लिखते, तो मैंने एक सम इतना ईजी था, मैं उसके 3 स्टेप खा के सीधा आंसर लिख के आ गया, मुझे पता था 2 मार्क कटेंगे। और जनरली मेरे टाइम में जनरली इफ यू स्कोर 92% यू आर स्टेट रैंक, तो मुझे पता था स्टेट रैंक तो नहीं मिलना क्योंकि माय सब्जेक्ट वाज हिंदी, हिंदी में थोड़ा वीक था ये वो। मेरा सब कुछ बढ़िया गया, मेरा प्लॉट ट्विस्ट है, सोशल स्टडीज बोल के हमारा पेपर हुआ करता था, उसमें हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स डिवाइडेड था। उस पेपर में आउट ऑफ 155 मिले, हिस्ट्री का हम लोग का आता था अराउंड 80-90 का, और कुछ जो भी ब्रेकअप था मुझे उसमें 55 मिले। मैंने आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट 87। अच्छा, तो मेरी परसेंटेज गई थी, मेरा डिस्टिंक्शन मिस हो गया और मुझे 81.3% आए थे 10th में। 10th मैं मार्क कसम बोल रहा हूँ, मैं उसके पहले लाइफ में कभी पढ़ाई वढ़ाई को लेकर कुछ सीरियस नहीं था, और मुझे पता था कि जब करना होगा कर लूंगा। मैं पहली बार ओनली टाइम माय लाइफ एवर क्राइड अंटिल दैट पॉइंट फॉर माय रिजल्ट्स। और भाई जैसे रिजल्ट खुला, मम्मी यहाँ पर साथ बैठे थे, मैं ऐसा रोया क्योंकि गाइस वो मेरा लाइफ का बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है। 10th वाले में दो चीज होते हैं, हाँ दो चीज होते हैं, व्हेन यू नो यू डिड वेल एंड यू नो कि वो मार्क्स गलत है, वो मार्क्स गलत है मतलब। तो मैं पहली बार लाइफ में रोया, और मेरा सिंपल डिटर्मिनेशन था कि मुझे ये वापस नहीं रोना। और मैं उस टाइम से हुआ था कि मुझे अब डब्ल्यू लाइफ जीना है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। तो क्या होता है ना गाइस, आप जब लाइफ में पहली बार आप श्योर होते हैं विल गेट अ सक्सेस एंड यू फील शॉर्ट ऑफ इट, तब आपको लाइफ में दो चीज होती है, या तो आप ये सोच लो कि भाई चूतिया जिंदगी अच्छी थी, या सोचते हो कि लाइफ में डब्ल्यू चाहिए। उसके बाद में जब मुझे साइंस करने का मन था, मैं BMC में एडमिशन भी लिया था, सुपर जेड वेड एग्जाम एग्जाम देके मुझे बेस्ट बैच मिल गया था पीतमपुरा 11th में। मैं साइंस करना चाह रहा था, IIT जाना था। अच्छा, हाँ, तो लेकिन बिकॉज मैं रिजल्ट खराब हुआ, आई सेड कि मुझे लाइफ में एक और झटका नहीं लेना, एंड एवरीवन नोस कि IIT इज वेरी टफ। आई सेड आई माइट बी एबल टू डू इट, बट आई ऑलवेज न्यू कि मेरा कमर्शियल थिंग्स आर बेटर, लाइक अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, कमर्शियल मैथ मुझे अच्छा लगता था, आई वाज गुड विद फ्रैक्शंस एंड ऑल दैट ABC। तो कॉमर्स ले लिया। तो मैं कॉमर्स लिया, एंड मुझे पता था पापा सीए कॉमर्स करी हुई है, तो आई ऑलवेज हैव दैट बैकअप ऑफ कि मुझे घर में ही पढ़ाने वाले होंगे। 11th में आई एंटर्ड, आई रियलाइज कि This shit is easy as fuck. ये बहुत easy है। Commerce में हमारी BST हुआ करती थी, accountancy हुआ करता था, ये सब मतलब मुझे लग गया कि ये मेरा गेम है। मुझे एकदम 11 में चिल करना, पढ़ लो, मतलब 11 में बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स करना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स का 11 का बेसिक्स नहीं आता तो 12 में तो आप
सिर्फ अकाउंट्स, ओनली अकाउंट्स। मतलब मैं आपको बता रहा, ऐसा होता है कि 12 में आके लोगों को लिटरली जर्नल एंट्री मारना नहीं आता, तो मैं अपना अकाउंट स्ट्रॉन्ग रख रहा था। मुझे पता था कि जो मैथ्स है 11 का वो मैं 10 में कर चुका हूँ, और वो 12 में, वो 12 नहीं आएगा, इरेलेवेंट। तो मैं 11 का मैथ्स ही बोला, कोई स्पेस नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा गोल था 12 में। आई वॉज शिट सीरियस अबाउट माई स्टडीज, तो आपको बता रहा 12 में क्या हुआ। मैं शिट सीरियस और ओवर कॉन्फिडेंट। फर्स्ट एग्जाम एक दिन पहले फ्रेंडशिप डे थी, मैं रात को पार्टी की और अगले दिन एग्जाम देने चला। मुझे अप्रैल में 77 है अकाउंट्स में। मेरे जो प्रोफेसर थे वो उनका मैं लिटरली फेवरेट स्टूडेंट, तो मुझे बेटा बोलते थे, वाज़ हेड ऑफ कॉमर्स। तो उन्होंने मेरे पेपर में एक रिमार्क लिखा था, नोट, वो नोट मेरे ईगो को हर्ट कर दिया था। मतलब ही रोट समथिंग वेरी पर्सनल, बट वो पेपर में लिख के दे दिया मुझे। वो उनका कहने का मतलब कि सिर्फ जानने से नहीं होता, तो कितना ही चीजें समझता हो, अंटिल इट्स नॉट देयर ऑन योर पेपर इट वोंट वर्क। और उन्होंने मुझे बाद में बोला कि मुझे तेरा पेपर देख के पता चला था कि इट्स अ ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट गिविंग द पेपर। क्या आप समझ रहे हो कि आप स्टेप्स स्किप करके आप मिस आंसर करके, हां समझ गया, पार्टी करके तो ऐसे भी अगले अकाउंट्स में तो स्टेप्स मिस नहीं कर सकते तुम, और घर भी लेट पहुंच जाता है एंड ऑल दैट शिट। उसके बाद आया हमारा सेकंड एग्जाम। मैं 100% श्योर नहीं हूं मेरे अकाउंट्स में इट वाज, आई स्कोर्ड आई थिंक 93, उसके बाद प्री बोर्ड्स था आई स्कोर्ड 97 इन अकाउंट्स, उसके बाद बोर्ड्स में आई स्कोर्ड 95 इन अकाउंट्स, व्हिच वाज अनफॉर्चूनेट। अब बोर्ड्स का भी मैं आपको मेरा मार्क्स बताऊंगा, आई विल टेल यू व्हाई अनफॉर्चूनेट एंड मेरा गोल क्या था। लॉन्ग ब्लॉक, ठीक है, माय आई वाज वेरी सिंपल कि मुझे एसआरसीसी ही जाना है, मेरी दिस जेवीएस स्कूल का नहीं, माय गोल वाज नेवर जेवीएस स्कूल का था। आई वांटेड टू स्टडी इन एसआरसीसी बिकॉज़ आई न्यू कि दिस इज द ओनली चांस इन लाइफ जो मेरे हाथ में है, मुझे सब आता है, मैं कर सकूंगा। मेरे सारे एग्जाम अच्छे गए, इंग्लिश में 2 मार्क की मिस्टेक हुई थी, बीएसटी में 1 मार्क की मिस्टेक हुई थी, इकोनॉमिक्स में 4 मार्क की, अकाउंट्स में 1 मार्क की, मैथ्स में 2 मार्क। तो आप समझो क्योंकि इट्स वेरी टाइट, बेस्ट ऑफ 4 काउंट होते हैं एसआरसीसी, द ब्रेकअप इज 97.5, आप सिर्फ 10 मार्क लूज कर सकते हो। तू समझ, चार सब्जेक्ट मिला के 290 चाहिए ही चाहिए टू मेक इट इन द फर्स्ट लिस्ट। जनरली एसआरसीसी में सेकंड लिस्ट में किसी को मौका ही नहीं मिलता। मेरा प्लानिंग पूरा परफेक्ट, 97.5 चाहिए ना, मेरा पूरा प्लानिंग परफेक्ट है कि 97.5 या 97.75 आ जाएगा बेस्ट ऑफ 4 में। रिजल्ट आया कितना आया मेरे को तो पता है, तूने बता रखा है। एक दोस्त किया, नाइट स्टे किया था, और वो दोस्त इतना पढ़ाई में खास नहीं था, और मेरे घर वालों को मैं इतना नहीं बोल के रखा था कि आई एम सो कॉन्फिडेंट पूरे 390 आने हैं 400 में से। मे बी मेरा भाई जो बंदा वैसा टारगेट कर उसका हो गया। गाइस मेरे मार्क्स सोचोगे कितना फकिंग अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट हूं मैं। मेरे मार्क्स थे 5 पेपर में 95, 1 में 98, बीएसटी में 98, बाकी 5 में 95, 5 में 95, विच इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता वो चीज। आप समझ रहे हो, पता चलता है ना कि भाई कुछ भी आया मार्कशीट में। अब आपको एक बात बताओ, मार्क्स सॉलिड 95.6% आए हुए, बेस्ट ऑफ 5-6 में कुछ भी ले लो, मतलब 6 सब्जेक्ट मिला के भी 95%। अब मुझे उस टाइम आ तो रहा है रोना भाई, एक बार मैं सपना खत्म ना, दिख गया कि एसआरसीसी लाइफ में नहीं मिलना है, गया एसआरसीसी। उसके बाद मेरे लिए एवरीथिंग एल्स वाज इररिलेवेंट, मैं कहीं पे भी एंड अप करूं पूरे इंडिया में मेरे पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई न्यू कि इफ इट एसआरसीसी कॉमर्स देन यू मेक इट। अब इतना गंदा फंसा मैं ना, मैं रो सकता हूं उस दिन तो, क्योंकि मम्मी पापा बहुत खुश, ऑल्दो मतलब उन लोग खुश है, दे आर नॉट सैड, ऑब्वियसली नो वन विल बी सैड अबाउट इट। मेरे दोस्त भी बहुत खुश कि भाई मतलब अनिमेश बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया, सिर्फ हमको मन में पता है कि भाई सब अच्छा है रिजल्ट में, बट मेरा एसआरसीसी नहीं होगा। मतलब मेरे लिए इट वाज लाइक अ वेरी सैड थिंग। एंड उसके बाद टू बी ऑनेस्ट, मुझे लाइफ में कभी ये नहीं मन में सोचा कि मैं एक्सेल करूंगा, बिकॉज दिस वाज माय सेकंड डिसहार्टनिंग विद माय एकेडमिक्स। मैं बोला आई ऑलवेज बी अमंग्स द टॉप, बट आई नॉट एम टू बी ऑन द टॉप। अमंग्स द टॉप और ऑन द टॉप में बहुत फर्क बहुत होता है। सो आई थिंक एवरीवन who is giving these boards, if you are aiming to be a topper, there can be disappointments. Or kya? If you are not at the top, if you are even amongst the top, it's not a bad thing. Disheartenings hote hain. Second thing, if you are struggling, my entire group mein bahut log the struggle kar rahe the. But aaj everyone is somewhere. Everyone is somewhere. Or kya mehnat? To be honest, your results don't really determine where you are or where you will be the next 3 years. Aapka class 10 tak ka zindagi, 12 tak ka zindagi aur college life, teen alag phase of the life hai. Aur aap jo professional course doge. Fir eventually I went ahead. Ab aapko bata do main aur kitna chutiya insaan tha. Mujhe admission mili Xavier school ka tha. Jahan mujhe nahi jana tha. Main 12 din mein bhag gaya college se. Mummy ko confidence mein leke. Kyun? क्योंकि मुझे अब वो उस टाइम आप ठीक है ऐसा नहीं मिला डीयू में, मुझे हंसराज मिल रहा था मैथ्स ऑनर्स, मैं बोला हंसराज मिल रहा है, आई वेंट फॉर द कॉलेज नॉट फॉर द कोर्स, माय फर्स्ट मिस्टेक, जेवियर्स छोड़ के हंसराज जाके मैथ्स ऑनर्स ले। फिर दिल्ली की हवा लग गई, बचपन के 10 दोस्त एक साथ दिल्ली में थे, सब डीयू में थे, 1.5 साल मैंने बकैती करी, मैं सीए का अटेम्प्ट मिस किया, मैं पूरी वो करना चाह रहा था, कोर्स का नाम भी भूल गया, एक्चुअरियल साइंसेज का मैंने एसेट दिया चंडीगढ़ जाके, आई फ्लू, आई रियलाइज लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, दिस इज नॉट द एनिमेशन ऐप, एंड पापा रियलाइज इट इवन बेटर, पापा बोले हंसराज छोड़, मैं हंसराज छोड़ा, ड्रॉप आउट किया, क्या करूं, आई टुक एडमिशन इन कॉरेस्पॉन्डेंस, सो आई वेंट फ्रॉम सेंट जेवियर्स कोलकाता टू हंसराज टू कॉरेस्पॉन्डेंस। बट देन आई वेंट होम, वेरी गुड डिसीजन, आई वेंट होम इन जून, जुलाई जून तक मैं गया भाई फुकरामी करते हुए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स गिव माय सीए का इंटर्स, सीपीटी होता है दैट आई क्लियर गाइस, मतलब वो 12 के बाद वाले एग्जाम में छुट्टियों में क्लियर कर लेते बिकॉज़ इट इज फकिंग इजी। इंटर 4 महीना पहला एक जाति गांड फट गई क्योंकि पापा बोले ऐसे ऐसे पढ़ना है, तुम्हारा भी तो ये हो चुका होना चाहिए था, हम बोला घंटा कुछ नहीं हुआ खुद को, आई वेंट एट एडिशनल
ब्रैकेट, प्रवीण सर से पढ़ता था, प्रवीण सर के वीडियोस देख देख के मैं बोला भाई दिन के 12 घंटा निकल रहे, यहाँ तो 4 सम हो रहे हैं, काम होगा नहीं। और मेरे पर्सनल लाइफ में भयंकर इश्यूज चल रहे हैं, जैसे तैसे किया किया किया, पर्सनल लाइफ इश्यूज, ये वो इशू, दिया दी के सामने मैं पन्ने खोल दिया, और दी का सीए फाइनल्स सेम टाइम, तो मतलब मेरे और दी का एग्जाम सेम 2 वीक में होने हैं। अब मैं दी को भी ज्यादा पन्ने खोलूंगा, दी अपना पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाई लग जाएगी, करूँ तो क्या करूँ। मुझे मिला पोगो, पोगो का नाम है पार्टनर इन क्राइम, पोगो का बोला से तू मेरे साथ पढ़, मैं और पोगो पढ़ना शुरू किया। फिर जस्ट अ मंथ एंड अ हाफ बिफोर द एग्जाम समथिंग हैपेंड इन माय पर्सनल लाइफ, आई डोंट नो इट वाज फॉर द गुड ऑर द बैड, बट उसके बाद के 40 डेज आई गेव इट ऑल, मैंने इंटर के दोनों ग्रुप एक साथ पास किए, बैड एग्जामिनेशन इन 3 पेपर्स, सीपीटी नहीं, वो जो आईपीसी, जब आईपीसी दिया तब आई हैड गुड टाइम इन माय लाइफ। और क्योंकि गाइज मैं 1.5 साल हंसराज ड्रॉप किया था, तो मेरा ग्रेजुएशन 3 साल लेट होगा, याद है मैं दिल्ली के चक्कर मारता था, मैं पीएम सीओ के टाइम में आप लोगों को बोलता था कि मेरा एग्जाम देने थक दिल्ली गया, मैं पीजी में बूट कैंप हुआ था, वो मेरा फाइनल ईयर लास्ट ईयर था जो मुझे एग्जाम देना था, तो उस एग्जाम के टाइम में उस एग्जाम दिया मैंने, पीएम सीओ के 10 दिन पहले मैंने अपना एफआरएम मैं कर रहा था उसका लेवल 1 दिया, और पीएम सीओ के 4 दिन बाद मैंने अपना सीएफए का, नहीं ओ सॉरी दिस नॉट पीएम सीओ, सॉरी दिस वाज सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में मैंने जब आईपीसी क्लियर करी फिर मुझे और प्रोफेशनल डिग्रीज करना था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो मैं सीएफए एफआरएम अटेम्प्ट कर रहा था, एफआरएम का फर्स्ट लेवल, मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया गाइस, फिर बैंगलोर की हवा लग गई, एफआरएम में आ गया, फिर मैं वापस गुवाहाटी आया, फिर एफआरएम की पढ़ाई करी मैंने, फिर आई वेंट एफआरएम मैंने क्लियर्ड, आई हैड इफ समवन नोज लाइक हाउ बिग इट इज, आई हैड 4 फर्स्ट क्वार्टर्स लाइक ऑल पेपर्स फर्स्ट क्वार्टर, मैंने सीएफए 20 दिन पढ़ के दी, झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे एफआरएम और सीए का बैकिंग था, आई क्लियर्ड सीएफए लेवल 1 and then streaming happened and rest is history. तो गाइस मेरा पढ़ाई का करियर वहाँ रुक गया, बट आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, बट माई पॉइंट इज अप्स एंड डाउन्स, आप मेरा करियर देखो, आई शुड हैव क्लियर्ड माई सी ए बाई 2017, आई क्लियर माई आईपीसी इन 2018, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं इवन इन माई एकेडमिक करियर, बट द पॉइंट इज उससे आप वो मतलब लाइक डोंट गेट डिसहार्टेंड, एवरीथिंग चेंजेस, क्लास 10, क्लास 12, कॉलेज एंड योर प्रोफेशनल डिग्री, चार अलग फेज है, यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट, ऑलवेज ट्राई समथिंग एल्स, बट आपको अपने को चूतिया मत बनाना, खुद को लाइक मुझे जो खुद को सेल्फ रियलाइजेशन बाद में होता है कि मैं खुद को चूतिया बना रहा हूँ, वो चूतिया बना रहा हूँ, क्योंकि अगर वो चूतिया बना रहे हो देन लाइफ इज इजी, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी रिजल्ट का, लाइक आई डोंट केयर कि मतलब टू बी आई नेवर केयर्ड इफ माय पेरेंट्स थॉट के आई एम नॉट अ मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा या व्हाटएवर, वो मेरे को कहीं फर्क नहीं पड़ा, वो मुझे खुद का ईगो होता है, खुद के ईगो के लिए करो पढ़ाई करो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी करो फाड़ो, और क्या, बट खुद का ईगो इज इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है इसका जो भी है जो थग ने अभी मोटिवेशन स्पीच दी है उन लोगों को, समीर महेश्वरी वो डिमोटिवेशन है, पर ये अनिमेश अग्रवाल की स्पीच थी तो मुझे लगता है इसका अलग से ब्लॉग बनाना, 15 मिनट की क्लिप दी है तुमने पूरी 15 मिनट, अरे इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी, वही तो इतना इंटरेस्टिंग भाई, पता ही नहीं चला 15 मिनट कैसे बीत गए, मैंने मामा को बीच में फोन करा, मामा तुम पकड़े मेरा हाथ थक गए, मामा पकड़े बैठा था, बढ़िया था यार, चलो सो जाओ गाइस, इसका ब्लॉग रेगुलर आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, इसको टैग किया करो कि भाई व्लॉग डाल, तो गाइस यही था आज के व्लॉग में, बट ट्विस्ट है, देखो कुछ लोग जो अभी आ रहे थे गेम हाउस में जो आए हैं रह गया है, तो गया हुआ था प्रोफेशनल काम से गया हुआ था उन्हें, तो वो भी नहीं था घर में, एंड वाइपर भी आ रहा है सुबह, मतलब डेली आई गेस सोया हुआ था, उसका भी वॉच पार्टी था, उसके साथ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, एंड गोल्डी भाई बच्चे हैं, अगर आप लोगों उनके भी मार्क्स जानने हैं बोर्ड्स में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर इस पर हम लोगों ने 10,000 लाइक्स मिल लिए तो उनका भी सेकेंड पार्ट आ जाएगा इंस्टेंट, ठीक है, दिन देखो वो दिख रहा है, सुबह हो गई क्योंकि 6:15 हो गए, 6:15 मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, मजा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके बाय।